गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अस्पताल में किस तरह से बातचीत की जाती है, कैसे कैसे वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ उसके अलावा विविध प्रसंग यानी जनरल टॉपिक्स पर कैसे बात किया जाता है। जिसमें इन द हॉस्पिटल में पहला वाक्य है, मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। आप डॉक्टरी में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो जिस तरह की बीमारी होती है उस विभाग वाले उस प्रकार के डॉक्टर से आपको दिखाना होता है। मान लीजिए आपको दांत के डॉक्टर से मिलना है तो आप कहेंगे मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, जो भी रिसेप्शन पर होगा या व्यक्तिगत से आप पूछताछ करेंगे। आई वॉन्ट टू सी ए डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट। आई वॉन्ट टू सी, मैं मिलना चाहता हूं ए डेंटिस्ट, मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। आई वॉन्ट टू सी ए डेंटिस्ट। नंबर दो, इमरजेंसी वार्ड किधर है, इमरजेंसी वार्ड किधर है, वेयर इज द इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड किधर है, वेयर इज द इमरजेंसी वार्ड। मैं भाई को अस्पताल में भर्ती कराना चाहता हूं, मैं भाई को अस्पताल में भर्ती कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एडमिट, आई वॉन्ट टू एडमिट माई ब्रदर इन द हॉस्पिटल, मैं भाई को अस्पताल में भर्ती कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एडमिट माई ब्रदर इन द हॉस्पिटल। ऑपरेशन थिएटर किस ओर है, ऑपरेशन थिएटर किस ओर है, विच साइड इज द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर किस ओर है, विच साइड इज द ऑपरेशन थिएटर, विच साइड इज द ऑपरेशन थिएटर। दवा कहां मिलेगी, दवा कहां मिलेगी, फ्रॉम वेयर विल आई गेट द मेडिसिन, दवा कहां मिलेगी, फ्रॉम वेयर विल आई गेट द मेडिसिन, फ्रॉम वेयर विल आई गेट द मेडिसिन। रोगियों से मिलने का समय क्या है, रोगियों से मिलने का समय क्या है, वाट आर द विजिटिंग आवर्स एट द हॉस्पिटल, रोगियों से मिलने का समय क्या है, मतलब किस समय रोगी से मिला जाता है, वाट आर द विजिटिंग आवर्स, मुलाकात का समय एट द हॉस्पिटल, वाट आर द विजिटिंग आवर्स एट द हॉस्पिटल। और उसी का दूसरा, वेन कैन वन सी द पेशेंट्स, वेन कैन वन सी द पेशेंट्स, मरीज से कब मिल सकते हैं, वेन कैन वन सी द पेशेंट। अगला है हृदय विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ किस किस दिन आते हैं, करा हृदय विशेषज्ञ नेत्र विशेषज्ञ किस किस दिन आते हैं, ऑन विच डेज किस दिन, ऑन विच डेज डज द हार्ट स्पेशलिस्ट अब्लिक आई स्पेशलिस्ट कम, करा हृदय विशेषज्ञ नेत्र विशेषज्ञ किस किस दिन आते हैं, ऑन विच डेज किस किस दिन, ऑन विच डेज डज द हार्ट स्पेशलिस्ट अथवा आई स्पेशलिस्ट कम। एक्सरे के लिए किधर जाना होगा, एक्सरे के लिए किधर जाना होगा, वेयर शुड वन गो फॉर एक्सरे, वेयर शुड वन गो फॉर एक्सरे अथवा वेयर डज वन गो फॉर एक्सरे, वेयर शुड वन गो फॉर एक्सरे या वेयर डज वन गो फॉर एक्सरे।
अथवा वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट, वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट, फिर समझिए एक्सरे के लिए किधर जाना होगा, वेयर शुड वन गो फॉर एक्सरे या वेयर डज वन गो फॉर एक्सरे अथवा वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट, एक्सरे विभाग किधर है। अगला है यहां रोगी से पैसा नहीं लिया जाता, यहां रोगी से पैसा नहीं लिया जाता, दिस इज ए फ्री डिस्पेंसरी, यहां रोगी से पैसा नहीं लिया जाता है, दिस इज ए फ्री डिस्पेंसरी अथवा मेडिकल केयर इज फ्री हियर, मेडिकल केयर इज फ्री हियर अथवा मेडिकल केयर इज फ्री इन दिस हॉस्पिटल, मेडिकल केयर इज फ्री इन दिस हॉस्पिटल अथवा देयर इज नो कंसल्टेशन फी, देयर इज नो कंसल्टेशन फी अथवा वी डोंट चार्ज द पेशेंट्स एनीथिंग, वी डोंट चार्ज द पेशेंट्स एनीथिंग। इतने सारे इंग्लिश हुए, एक हिंदी वाले वाक्य का, जैसे यहां रोगी से पैसा नहीं लिया जाता, ठीक, मतलब यहां इलाज फ्री है, सीधी सी बात, यहां रोगी से पैसा नहीं लिया जाता है, दिस इज ए फ्री डिस्पेंसरी, दिस इज ए फ्री डिस्पेंसरी, ठीक, अथवा मेडिकल केयर इज फ्री, मेडिकल केयर इज फ्री हियर अथवा मेडिकल केयर इज फ्री इन दिस हॉस्पिटल, मेडिकल केयर इज फ्री इन दिस हॉस्पिटल अथवा देयर इज नो कंसल्टेशन फी, देयर इज नो कंसल्टेशन फी अथवा वी डोंट चार्ज the patients anything, we don't charge the patients anything। अब आइए विविध प्रसंग पर, जनरल टॉपिक्स पर क्या क्या वाक्य की जरूरत पड़ती है, उसके काम से मैं निराश था, उसके काम से मैं निराश था, his work was disappointing, उसके काम से मैं निराश था, his work was disappointing, उससे पिंड छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा, उससे पिंड छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा, I will be glad to get rid of him, उससे पिंड छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा, I will be glad to get rid of him, I will be glad to get rid of him, तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है, तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है, योर कोट इज नॉट लाइक माइन, तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है, योर कोट इज नॉट लाइक माइन। अगला है तुम अशुद्धियां ठीक नहीं कर सकते, तुम अशुद्धियां ठीक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट करेक्ट दी मिस्टेक्स, तुम अशुद्धियां ठीक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स। इसी ने मैच जीता, इज द वन हु ओन द मैच, इसी ने मैच जीता, इज द वन हु ओन द मैच। दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है, दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है, Who is the taller of the two girls? दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है? Who is the taller of the two girls? अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे, अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे, Most of the people would agree with it. अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल
वुड एग्री विद इट। इस तरह से आपने देखा कि अस्पताल में जाने पर किस प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न प्रकार के प्रसंग में कैसे कैसे वाक्य का निर्माण किया जाता है। उसीलिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं व्यवहारिक इंग्लिश स्पीकिंग में जा रहे हैं तो हमें सभी प्रकार के वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए और हमें अपने बातचीत में उनको सम्मिलित भी करना चाहिए ताकि धीरे धीरे हम कुशल हो सके। थैंक यू।